अरे गीतिका आप कहाँ हैं? मेरा उधर जहाँ शीशे के, जहाँ शीशा का वो रखा। गीतिका आइए भैया आप भी। हाँ लंच लंच भैया। देखिए कृष्ण जी के सारे बच्चे, ये है कृष्णा, ये है कृष्णा, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा गो बोलो। इस प्रकार से जैसा आपने देखा इस पूरे वीडियो में कितनी अच्छी तरीके से तैयारी की गई है, नंद गोपाल नंदन के जन्म दिवस के इस कार्यक्रम को कितने अच्छे से तैयार किया है पूरे परिवार, फैमिली ने, बच्चों ने, गार्जियंस ने, सब ने मिल करके पूरी व्यवस्था की है। ये हैं आपके नंद गोपाल। बिल्कुल देखिए जन्म के बाद जो जिस प्रकार का एक स्नान होना चाहिए, जन्म में दूध और दही से उनका स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल उस प्रकार से तैयारी की गई है। और ये प्रीति भाभी के द्वारा जो ये पूरी व्यवस्था की गई है, तो फ्रेंड्स वास्तव में आपको भी नंद गोपाल नंदन का ऐसा दर्शन, ऐसा सुंदर और भव्य दर्शन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फ्रेंड्स वास्तव में बहुत मजा आया इस पूरे पर्व को देखकर। और आपको शायद ये नहीं पता है कि नंद गोपाल के लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देखिए ये पूरे व्यंजन केवल नंद गोपाल नंदन के लिए ये तैयार किए गए हैं। फ्रेंड्स वास्तव में इसमें ये जलेबी है, ये दही है, ये खीर है, ये आप देखिए पेड़े हैं, मिठाई हैं, और आप देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे व्यंजन हैं। मैं तो गिनाते देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि नंद गोपाल नंदन के व्यवस्था में इन सभी लोगों ने पूरी के पूरी श्रद्धा से पूरी व्यवस्था की है। बहुत सारे लाइक्स मिलने चाहिए लोगों, आप लोगों को अगर बहुत अच्छा लगा इनकी व्यवस्था तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे बहुत इस फैमिली, इस परिवार में देखिए आप भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जिसके लिए ये रात को 12 बजे तक जगे हुए हैं और पूरे तन मन से इसमें लगे हैं, और सुबह से इन्होंने कुछ अन्न ग्रहण नहीं किए, जल ग्रहण नहीं किए, ये पूरे तरीके से व्रत है, इस पूरा परिवार व्रत है, ये बच्चे व्रत हैं। इनका नाम देखिए, ये मन्ना है और ये गीतिका हैं, और ये उनकी सिस्टर हैं, और ये जो है रवीन जी हैं। आप देखिए इस पूरी फैमिली ने जिस प्रकार से ये अरेंजमेंट किया है, ये देखिए झूले का अरेंजमेंट है। मेरे द्वारा भी देखिए भगवान आपको कब कहाँ बुला लें, शायद इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता कि वास्तव में मुझे भी ये अवसर मिल गया कि मैं इस प्रकार के प्रोग्राम में शामिल हूँ। रात को 12 बज रहे हैं लेकिन मुझे भी नींद नहीं आ रही है, इतना भव्य प्रोग्राम देख करके बहुत अच्छा लगा। जैसे लगता है भगवान ने हमें नींद से लड़ने की एक अजीम सी क्षमता दे दी है, इस क्षमता का हम पूर्ण उपयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो गुड डे, गुड बाय।